नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो अभी BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा जिनको अगले वर्ष इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट कोड CE 303 डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी में लगे हुए हैं और इस वीडियो में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैटर मिलेगा। चैप्टर 3 ले रहे हैं हम, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स। तो इसमें जो पिछले दो पेपर्स अवेलेबल जो हैं 16 और 16 स्पेशल, उसके जो सवाल है उसको तो मैंने किया ही है, कुछ और मैंने अपनी ओर से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं विद आंसर ताकि आप उसकी तैयारी कर सको। एक और बात मैंने इस वीडियो में की है, इस बार मैंने जो कोड है RCC का उसके पेज नंबर डाल दिए हैं क्वेश्चंस के ऊपर जहाँ आंसर लिए हैं, यथासंभव जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर डाल दिए हैं ताकि आपको कोड से करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अधिकांश प्रश्न उत्तर आपको कोड में मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलने वाला है, वरना आप ढूंढते रह जाओगे कि आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोड में कोई काम जो है अलग अलग जो कर रखा है वो सिस्टमेटिक नहीं है। आप सोचो कि सब चीज़ें एक साथ मिल जाए, नहीं मिलती हैं, अलग अलग बिखरी पड़ी है, तो आपको देखना आना चाहिए कोड को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का जो 2016 के अंदर क्वेश्चन 9 था, 10 मीटर तक की एकल प्रबलित शुद्ध आलंबित कंक्रीट धरण के अभिकल्पन हेतु पाट से गहराई के अनुपात का मूल मान निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए फॉर डिजाइनिंग सिंपली सपोर्टेड कॉन्क्रीट बीम ऑफ स्पान अप टू 10 मीटर। द बेसिक वैल्यू ऑफ द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शुड नॉट ग्रेटर देन। तो देखिए ये किसके लिए बात कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है। तो ये एक्चुअली आपका जो पेज 37 है उस पर दे रखा है। चलो एक बार मैं आपको पेज 37 दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर। देखिएगा ये रहा पेज 37, ये रहा पेज 37 और ये यहाँ लिखा हुआ है द वर्टिकल ये बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम। तो कैंटिलीवर के तो लिए ये है 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए है 20 और कंटिन्यूस बीम के लिए है 26। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोड मिलेगा आपको। लेकिन जब सवाल करते करते प्रैक्टिस, हम जैसे मान लीजिए हम कोई डिजाइन करते हैं, हमको उतनी मुख्य जबानी याद होती है, हम फटाफट काम करते हैं, उल्टा कोड से देख के करने हमको टाइम लगता है। तो हमको तो खैर याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, अपना होता है, आपको भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बाद में कभी फ्यूचर में जब डिजाइनिंग करेंगे डिप्लोमा करने के बाद। तो एनीवेज तो बेसिक वैल्यू जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, यानी कि स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है कैंटिलीवर में, ये सिंपली सपोर्टेड में और ये कंटिन्यूस बीम, लेकिन ये अप टू 10 मीटर स्पान। अच्छा, अगर स्पान 10 मीटर से बढ़ जाए तो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं इसको 10/स्पान से गुणा करना पड़ेगा, 10/स्पान से गुणा करना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर, उसमें नहीं करते, बाकी सब में करते हैं, दोनों में करते हैं। आपके मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम के आते हैं, तो इसको आपको 10/स्पान से गुणा करना पड़ेगा अगर स्पान बीम का 10 मीटर से ज़्यादा है तो। तो ये चीज़ जो है आपसे पूछी गई है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कैंटिलीवर के लिए या किसी और बीम के लिए, तो वो क्वेश्चन बाद में अभी करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता था कि इसमें है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2016 का और पेज नंबर 37 पर इसकी वैल्यू है और आंसर क्या आएगा 20 और सिंपली सपोर्टेड बीम, आंसर सी। अब देखिएगा एकल प्रबलित, अगला क्वेश्चन, एकल प्रबलित धरण में तनाव प्रबलन का अधिकतम क्षेत्रफल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई जो हम टेंशन रीइंफोर्समेंट लगाते हैं ना बीम के अंदर, अब उसकी एक लिमिट है, ये तो नहीं कि आपने खूब लगा दिया ये सोच के जितना ज़्यादा स्टील लगाएंगे बीम मजबूत होगी, और नहीं भाई, कई बार ज़्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है, वैसे ही ज़्यादा स्टील लगा दोगे तो भी खराब मामला है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, एकल प्रबलित धरण में तनाव प्रबलन का अधिकतम क्षेत्रफल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। आप तो सिंपल सी बात ध्यान रखो कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, बीम का,
इसमें आएगा एक तो बीम की विड्थ और एक आएगी ओवरऑल डेप्थ, उसके 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन कई बार बच्चे दिमाग में पाल लेते हैं। रूल ये है कि 4% ऑफ बी डी ये रूल है, और इसका निकालो तो ये 4/100 इंटू बी डी बन जाएगा, जो कि 0.04 इंटू बी डी हो जाएगा। तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज होकर वो 0.04% कर देते हैं, या कई बार इसको 4 इंटू बी डी कर देते हैं। ऐसा नहीं हो तो ये देखिएगा, पहला ऑप्शन है 4% ऑफ बी डी, यही सही है। देखो ये 0.04 लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये परसेंट लिख दिया, तो 0.04% नहीं होता है एक्चुअली। 4% ऑफ बी डी जो होता है वो 0.04 इंटू बी डी होता है। तो ये 0.04 होता तो ये सही होता, तो उस केस में ये सही नहीं होता, क्योंकि ये कुछ और लिखा होता है यहाँ पे। एनीवेज ए इसका सही है, तो इसका आंसर आ गया ए। ये पेज 47 पर है, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 47 पर। पेज नंबर 47 में निकाल के बताता हूँ आपको। ये रहा पेज नंबर 47, ये देखिए पेज 47 क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 इंटू बी डी। और 0.04 बी डी का मतलब होता है 4% बी डी का, इसलिए ये आंसर जो आपका है 4% बी डी आएगा। अगला क्वेश्चन, जिस आर सी सी धरण के तनाव एवं संपीड़न क्षेत्र में इस्पात प्रयुक्त किया जाता है वह कहलाती है। द बीम इन विच द स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन द टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन इज कॉल्ड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई, किसी बीम के केवल टेंशन जोन में स्टील लगाते हैं ना, उसको कहते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। और जिसके दोनों साइड में, ये देखिए मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। अगर ये बीम है, इसमें ये टेंशन जोन नीचे, अगर इसमें स्टील लगा हुआ है, ये कहलाती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, एकल प्रबलित धरण। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से, कारण क्या है वो अलग क्वेश्चन बनता है, अभी समझ लो। मान लीजिए नीचे 4 बार लगाए, ऊपर मान लीजिए 2 या 3 जो लगा दी, तो ये कहलाती है डबली रीइंफोर्स्ड बीम, यानी इसके टेंशन जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी स्टील लगाया जाता है, और इसमें केवल टेंशन जोन में स्टील लगाया जाता है। तो केवल टेंशन जोन में लगाते हैं वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, और दोनों जोन में लगाते हैं वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहलाती है। ये देखिए आपके 4 ऑप्शन इसमें हैं। पहला एकल प्रबलित धरण सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, दूसरा सतत धरण कंटिन्यूस बीम, तीसरा प्रास धरण कैंटिलीवर बीम, और चौथा दोहरी प्रबलित धरण यानी कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम। और यही आंसर इसका सही है, तो डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो रेड जो मैंने मार्क कर रखे हैं, सारे एग्जाम में आए हुए आपके। चौथा, किसी भी स्थिति में टी धरण के फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, ये टी सेक्शन है, टी बीम एक्चुअली, ये टी बीम है, ये फ्लैंज है, ये वेब है। तो ये फ्लैंज की जो चौड़ाई है बी एफ, इसे कहते हैं फ्लैंज विड्थ, इसकी वैल्यू किस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी बात चल रही है। कितनी होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। किस चीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में टी धरण के फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नो केस द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ ए टी बीम शुड नॉट एक्सीड। तो ये देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बी डब्ल्यू प्लस बी हाफ इंटू एल वन प्लस एल टू माइनस बी डब्ल्यू, फिर बी डब्ल्यू प्लस हाफ इंटू एल वन प्लस एल टू और बी माइनस बी डब्ल्यू। तो इसका आंसर आएगा बी। देखिए इसमें क्या है कि ये जो वेब की विड्थ है, ये फ्रेंज वेब, ये जो वेब की विड्थ है इसे कहते हैं विड्थ ऑफ वेब यानी कि बी डब्ल्यू, इसको रिप भी कहते हैं, बी आर भी कहते हैं इसको। और एल वन एल टू जो है ना भाई, ये मान लो ये लगातार ऐसी आपके चलती रहें बीम्स, और जैसे टीवी में ऐसे आगे एक और भी है, इधर भी है, तो ये जो क्लियर स्पान है
ये वाला और ये दूसरा क्लीयरेंस बने, ये L1 L2 है, यानी इसके आस आजू बाजू की दो है ना बीम्स, उनके बीच की क्लियर स्पेसिंग, तो ये L1 L2 को जोड़ के उसका आधा कर दें, लिखा ना ये L1 प्लस L2, यानी L1 L2 को जोड़ के आधा कर लो और उसको इस BW में जोड़ दो, तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ भी आपको पेज नंबर 37 पे दी हुई है कोड के अंदर, कोड में पेज नंबर 37, तो मैं पेज नंबर 37 निकालता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये रहा पेज नंबर 37, दिख रहा है आपको पेज नंबर 37, और इस पेज नंबर 37 के अंदर ये देखिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपको दिखेगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखा हुआ, इन नो केस ग्रेटर देन, एक्चुअली ये पिछले पेज से चल रहा है इसका, मैं आपको पिछला पेज समझाता हूँ। बिल्कुल ये लिखा हुआ यहाँ पे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इन द एब्सेंस ऑफ मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मे बी टेकन एज द फॉलोइंग। आपको इफेक्टिव विड्थ जो निकालनी फ्लैंज के लिए, उसके लिए फॉर्मूले दे रखे हैं, ये सारे उसके लिए फॉर्मूले हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन इन फॉर्मूले से वैल्यू निकलती है ना, वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है। बट इन नो केस ग्रेटर देन द ब्रेथ ऑफ द वेब, यानी कि BW प्लस हाफ द सम ऑफ द क्लियर डिस्टेंसेस टू द एडजेसेंट बीम्स ऑन आइदर साइड, यानी उस टी बीम का जो वेब है उसके इधर और इधर जो दूसरी बीम्स हैं उनसे इसकी जो क्लियर डिस्टेंस है उसकी जोड़ का आधा आप जोड़ दें BW में, लिखा ना ये ब्रेथ ऑफ द वेब प्लस हाफ द सम ऑफ द क्लियर डिस्टेंसेज टू द एडजेसेंट बीम्स ऑफ ऑन आदर साइड। तो ये जो चीज़ है आपके ये तो यही आती है ना बी के अंदर, इस बी पार्ट मारी ऐसे देखिए आप, ये जो कहा गया है बी को मैच करता है कि ये जो वैल्यू है इससे ज़्यादा इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ मैंने यहाँ BW पर सारी बातें वो लिखी जो मैंने यहाँ बोल के सुनाई अभी आपको। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्ज़ाम आए हैं, फिर कुछ मैं अपने मन से बनाए, 5वां क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये 5वां जो क्वेश्चन है देखिए आप, एक RCC, ये 2016 स्पेशल में क्वेश्चन 11 था, एक RCC दरन में तनावी इस्पात में अधिकतम प्रतिबल का मान यदि कंक्रीट से पहले पहुंच जाए तो वह काट कहलाता है। इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द स्टील इन टेंशन रीचेस इट्स मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन कंक्रीट देन द सेक्शन विल बी कॉल्ड एज। देखिएगा एक बात आप पक्का समझ लें कि RCC बीम के अंदर सीमेंट, ये कंक्रीट और स्टील दोनों होते हैं, लोड ऐसे लगने चाहिए कि किसी भी मटेरियल में, कंक्रीट हो चाहे स्टील में, जो स्ट्रेस होती है लोड्स के कारण उनकी वैल्यूज़, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो कंक्रीट की जो परमिसिबल वैल्यू स्ट्रेस की उससे ज़्यादा नहीं हो, और स्टील में जो स्ट्रेस आ रही है उसकी वैल्यू स्टील के लिए जो होती है परमिसिबल उससे ज़्यादा नहीं हो। ये ज़रूरी वरना अगर मान लीजिए आप कहेंगे सर स्टील तो सही है, स्टील में स्ट्रेस तो नहीं पहुंच रहा होता जितना कि लिमिट है, लेकिन कंक्रीट में पहुंच गया तो कंक्रीट ही फेल हो जाएगा तो स्टील क्या कर लेगा अकेला, या मान लीजिए स्टील फेल हो गया तो कंक्रीट क्या कर लेगा। अगर किसी गाड़ी के 4 पहिए में से 1 पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी तो बेकार हो गई ना, तो कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों में जो स्ट्रेसेज है चाहे स्टील हो चाहे कंक्रीट हो अपनी अपनी परमिसिबल वैल्यू जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर स्टील में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो उसकी परमिसिबल वैल्यू पे पहुँच जाए और कंक्रीट में नहीं पहुँचे, यानी स्टील तक तो पहुँच गई वो, स्टील में जितनी वैल्यू चाहिए परमिसिबल वहाँ तक पहुँच गई लेकिन कंक्रीट में नहीं पहुँची वो। अच्छा, कभी क्या होता है कि कंक्रीट में पहले पहुँच जाती है स्टील नहीं पहुँचती है, और कभी दोनों में साथ पहुँच जाती है। अब किस केस में क्या होगा इसको आप समझें। देखिए स्ट्रेस पहले पहुँच गई मतलब कि स्ट्रेस उसमें ज़्यादा पहले पहुँच गई, ज़्यादा हो गई पहले,
अब स्ट्रेस ज़्यादा कब, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा स्ट्रेस ज़्यादा कब होगी, जब एरिया कम होगा, यानी जब एरिया कम होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा होती है। और पहले किस में स्ट्रेस पहुँची है, स्टील में, लिखा ना इसके अंदर तनाव इस्पात यानी कि टेंसाइल स्टील, स्टील में स्ट्रेस पहले पहुँच गई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। इसका मतलब स्टील थोड़ा कमज़ोर है, यानी कि स्टील का एरिया कम है। जब स्टील का एरिया कम है तो कहलाता है अंडर रिइंफोर्स्ड। तो ये आंसर जो आएगा इसमें ये आएगा ए, न्यून प्रबलित यानी कि अंडर रिइंफोर्स्ड। दूसरा आंसर है अति प्रबलित यानी कि ओवर रिइंफोर्स्ड। तीसरा संतुलित वो नहीं है, और चौथा मितव्ययी तो खैर संभव ही नहीं है। अच्छा अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि कंक्रीट में प्रतिबल का मान अपने अनुमत मान तक पहले पहुंचा है तो वो बीम कैसी होगी। अब कंक्रीट में पहले पहुंचा मतलब क्या हुआ कि स्टील में बाद में पहुंचेगा। कंक्रीट में पहले पहुंच गया मतलब कि स्टील में उतना नहीं पहुंचा है, यानी कि स्टील के अंदर अपनी परमिसिबल वैल्यू पे मान नहीं पहुंचा है। इसका मतलब स्टील काफ़ी अच्छा है, उसका एरिया ठीक है, यानी कि स्टील जो है वो ओवर रिइंफोर्स्ड है, जितना होना चाहिए उसे कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है, तो वो कहलाएगी बीम अति प्रबलित। तो सिंपल सी बात ये है, जब कंक्रीट में पहले पहुंचता है स्ट्रेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ओवर रिइंफोर्स्ड, स्टील में पहले पहुंचती वैल्यू अपने अनुमत मान तक अंडर रिइंफोर्स्ड। अच्छा मान लीजिए कभी दोनों में एक साथ ही पहुँच जाए, यानी कि स्टील और कॉन्क्रीट दोनों में स्ट्रेस अपनी परमिसिबल वैल्यू पर एक साथ ही पहुँचे साइमल्टेनियसली, उसको कहते हैं बैलेंस सेक्शन यानी कि संतुलित सेक्शन। तो मैंने क्वेश्चन तो एक आया और मैंने आपको तीन आंसर दे दिया अलग अलग, किस केस में कितना आपको ध्यान रखना है, यानी एक क्वेश्चन आया हुआ है दो मैंने और बना दिए। अगला क्वेश्चन, एक एकहरी प्रबलित धरण से कम सस्ती होती है क्योंकि ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। बिकॉज आप एक बात पक्का समझो कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम महंगी ही होगी सिंगली से, तो स्टील ज़्यादा लगा ना। लेकिन भाई कई बार हम कहते हैं ना कि ये चीज़ है तो महंगी लेकिन लॉन्ग लाइफ में जाके सस्ती हो जाएगी, यानी आप कई बार कहते हो चीज़ मैंने ली तो बहुत महंगी है पर उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि अल्टीमेटली सस्ती हो जाएगी। डबली रिइंफोर्स्ड बीम ऐसा नहीं होता है, महंगी है और वो वास्तव में महंगी, ठीक है अपना काम पूरा हो गया, जरूरत थी इसलिए आपने स्टील दोनों साइड लगा दिया, लेकिन वो होती है वो कंपेरेटिवली महंगी है या कम सस्ती होती है। कारण क्या होता है कि जिन कारणों से कंप्रेशन जोन में स्टील लगाया जाता है उसके अलग से कारण होते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन बनता है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। और उसमें जो जरूरत पड़ती है स्टील की, हमें नेचुरली मिनिमम रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है कंप्रेशन जोन के अंदर भी, और वो इतना ज़्यादा होता है मिनिमम भी कि उस लेवल तक स्ट्रेस पहुँचती नहीं है जो पहुँचनी चाहिए किसमें, इन द कंप्रेशन जोन। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन जोन का जो स्टील है उसका पूरा उपयोग होता नहीं और उसमें स्ट्रेस कम पहुँचती है अपनी परमिसिबल लिमिट से। अब जब किसी चीज़ का उपयोग हुआ नहीं है और आपने लगा दी तो महंगा हो गया, हालांकि करना पड़ता है मजबूरी है लेकिन उपयोग उसका पूरा नहीं होता, ये डेफिनेट है। तो ये देखिए इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, एक संतुलित काट के लिए तनावी इस्पात की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये तो आंसर सही नहीं है। दूसरा, कर्तन प्रतिबल ज़्यादा होता है, ये भी सही नहीं है। तीसरा, कंक्रीट इसके पूरे मान तक प्रबलित नहीं होती, कंक्रीट का प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई कंक्रीट में जो स्ट्रेस का क्या मतलब है, हमें तो स्टील क्यों लगाते हैं मजबूत बनाने के लिए, कंक्रीट तो ऑलरेडी जो मजबूती होती है इन द कंप्रेशन जोन। चौथा, संपीड़न इस्पात का न्यून प्रतिबलित होना यानी कि जो कंप्रेशन जोन में स्टील लगाया है उसका अंडर स्ट्रेस्ड होना, लिखा ना कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड, यानी जितना स्ट्रेस किया जा सकता है मैक्सिमम उतना वो होती नहीं है। यानी क्षमता है मेरे पास 100 रुपया खर्च करने की और मैं खर्च करूँ 5 रुपया तो बेकार हो गया ना 95 रुपये तो मेरा, वो चीज़ इसके अंदर है। लेकिन फिर भी मजबूरी है, बाढ़ पैसे लेके जाने पड़ते, जेब में पैसे धोने चाहिए अपने, घुमा के वापस लेके आ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें समझ लीजिएगा आप कि अगर डबली रिइंफोर्स्ड बीम को महंगा कहते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम से,
इसका एक ही बड़ा कारण है कि उसमें जो कंप्रेशन जोन में स्टील लगाते हैं उसमें स्ट्रेसेस उस लेवल तक नहीं पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए, यानी उसका पूरा उपयोग नहीं होता और वो महंगी होती, लगाना पड़ता है, ऐसे कारण लगाना ही पड़ता है, लेकिन उस स्टील का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो लिखा संपीड़न इस्पात का न्यून प्रतिबलित होना, प्रबलित नहीं प्रतिबलित, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छत का वह भाग जो कि धरण पर टिका होता है उसे कहा जाता है। द पोर्शन ऑफ स्लैब विच एक्ट्स विद द बीम। अब देखिए, जब कभी स्लैब और बीम मिल जाते तो टी बीम बन जाती है। देखिएगा, ये स्लैब है और ये बीम है, ये कोई रूम है ना, ये स्लैब है, ये स्लैब भी मोटा, ये बीम है। तो ये देखिए, ये जो पोर्शन मिलकर ये टी बन गया पूरा, ये टी बन गया, ये टी बीम हो गए। इसमें क्या होता है, इसको मोनोलिथिकली जोड़ देता है आपस के अंदर सरे लगा के। तो जब ये टी बीम बन जाती है ना, तो नीचे जो आप कमरे में जो बीम देख रहे हो और ये ऊपर जो स्लैब है, अच्छा अगर हम टी बीम की बात करें तो इसको कहेंगे फ्लैंज, इसे कहेंगे वेब, ये फ्लैंज और ये वेब। तो ये फ्लैंज क्या हुआ कि जो ऊपर स्लैब है वो इस टी बीम के लिए फ्लैंज बन गई, और ये जो नीचे वाले जो बीम है, जो असल में बीम है, वो स्टी बीम की वेब बन गई, ये वेब और ये फ्लैंज। तो फिलहाल तो ये पूछा गया आपसे, उसको उत्तर दिया मैंने। छत का वह भाग जो कि धरण पर टिका होता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्लैंज, ठीक है ना। ये डी आंसर आएगा इसका। अब कुछ क्वेश्चन मैंने, ये तो ये 7 क्वेश्चन वो थे जो आपके 2 एग्ज़ाम में आए थे, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी बनाए, वो भी आप देख लीजिएगा। ये पेज 37 पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अप टू 10 मीटर सिंगली रिनफोर्स एंड सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, नहीं, सिंगली रिनफोर्स एंड सिंपली सपोर्टेड स्पांस जो है ना उसकी बात कर रहे हैं बीम्स के लिए। वैल्यू ऑफ स्पान अपॉन डेप्थ, देखिए कैंटिलीवर के लिए 7, एक्चुअली ये सिंपली सपोर्टेड स्पान नहीं कहना चाहिए था, सिंगली रिनफोर्स बीम है, और क्योंकि सिंपली सपोर्टेड आ गया ना ये वर्ड यहाँ पे, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। अप टू 10 मीटर सिंगली रिनफोर्स बीम, बस ये नहीं आएगा, ये वाला चीज़ हटा देता हूँ मैं। अब ठीक है, तो स्पान अपॉन इफेक्ट डेप्थ का जो रेशियो होता है वो कैंटिलीवर के केस में 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड एस है, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि शुद्ध आलंबित या सरल आलंबित धरण में 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस बीम में 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रख लें। आपसे एक सवाल पूछा गया था उसमें ये 20 आंसर आ रहा था, तो अब ये 2 और हो गए, कैंटिलीवर हो तो 7 और कंटिन्यूस हो तो 26। ये पेज नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स के लिए है, ये कभी आ सकता है आपके, जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है बीम का, ये नीचे रिइंफोर्समेंट लगा रखा आपने, छड़े लगा रखी हैं, तो 2 छड़ों के बीच के जो क्लियर डिस्टेंस ये वाली, इसको मैंने एस नाम दे दिया है, इस एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपको मैं बता नहीं पाऊँगा, वो टाइम लगेगा, वो फिर पन्ना खोलूँगा। आप पेज नंबर 45 जो कोड का है वो चेक कर लीजिए, उस पर मिल जाएगा आपको, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको पैराग्राफ के अंदर। ये जो स्पेसिंग है वो जो इन बार का जो डायमीटर है ना, फाई का मतलब डायमीटर ऑफ बार, छड़ों का व्यास, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब, जब सभी छड़े एक समान व्यास की हों, जैसे मान लीजिए सभी छड़े मान लीजिए 16 mm की है, तो ये जो डिस्टेंस 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा दूसरा, ये फाई ऑफ द रॉड हैविंग लीस्ट एरिया, यानी जिस रॉड का एरिया सबसे कम है, ठीक है ना, फाई ऑफ द रॉड हैविंग लीस्ट एरिया, जो सबसे कम एरिया वाले, यानी जो सबसे कम डायमीटर की जो रॉड है उससे भी कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, इसमें बताऊँगा आपको, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, ताकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। पेज नंबर 45
पेज नंबर 45। ये देखिएगा पेज नंबर, देखिए मैं निकाल लिया 45 पेज निकाल दिया मैंने ये वाला, और ये है स्पेसिंग वाला। ये कौन सा है, इसके अंदर 5 और मैक्सिमम साइज है कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, तो ये यहाँ पे आएगा 45। हाँ ये रहा, ये नीचे मिलेगा आपको। ये रहा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रीइन्फोर्सिंग बार। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, ये बार इसके पैरेलल ही है, ये लंबाई में आ रही ना ये बार, विल यूजली बी नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला द डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर्स आर इक्वल, ये मैंने कहा ना आपको ये 5। दूसरा द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर आर अनइक्वल, यानी कि अगर ये अनइक्वल है तो इसमें आएगा जो लार्ज, जैसे मान लीजिए कुछ बार से इसके अंदर है 12 mm की, कुछ है 16 की, कुछ 18 की, तो जो सबसे बड़ी बार हो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेरे लिखने में मिस्टेक हुई है, 5 ऑफ द रॉड हैविंग लीस्ट नहीं मैक्सिमम एरिया, मुझे लगता था क्योंकि लिखने में गलती की ना एकदम पता पड़ता है, देखते मेरे को कंफर्म हो गया अभी, यानी जिस रॉड का एरिया ज़्यादा है, जब एरिया ज़्यादा होगा तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। आप सिंपल सी बात समझ लो कि अगर अलग अलग डायमीटर की बार्स हैं तो जो सबसे ज़्यादा डायमीटर वाली बार है उसके डायमीटर से भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा जो है, एस शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, और जो मोटा मिला हुआ है दिखती बात है जो बीम है RCC की, तो उसमें मिला हुआ होगा मिक्स वगैरह, तो मोटा मिला हुआ जो है सबसे ज़्यादा उसकी जो साइज है उसमें 5 mm और जोड़ दो। अब इन तीन वैल्यूज में से एक्चुअली ये दो तो नहीं होगी, इनमें से कोई एक होगी, अगर सेम डायमीटर है तो ये दो केस बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और अगर अलग अलग डायमीटर हैं तो दो केस बनते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, ये तो तभी होगा जब सेम डायमीटर हो। तो उस केस में आप चलो मान लीजिए सेम डायमीटर है 18, और ये आपने निकाला जो मैक्सिमम साइज है आपके कोर्स एग्रीगेट की, उसमें आपने 5 जोड़ा और वो 18 से कम है 5 जोड़ने के बाद भी, तो हम कहेंगे ये 18 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 16 आया तो 18 बड़ा हो गया, 18 से कम नहीं, और ये मान लीजिए 18 है, और सपोज़ ये मान लीजिए 20 हो गया तो 20 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो तीन मान लिखे हैं इनमें जो बड़ा हो उससे छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत कई बार दिक्कत करते हैं समझने में बच्चे, हम कहते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि शुड नॉट बी लेस देन 20, शुड नॉट बी लेस देन 25 एंड शुड नॉट बी लेस देन 30। अब ऐसी चीज़ आप बताओ कि जो 20 से भी कम नहीं हो, 25 से भी कम नहीं हो, 31 से भी कम, जो 30 से भी कम नहीं हो, तो आप इसको क्या लेंगे, मिनिमम 30 लेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए 25 से कम नहीं हो इस बेस पे आपने 24 ले लिया, नहीं सॉरी 25 से कम नहीं हो इस बेस पे आपने 26 ले लिया, पर 26 तो 30 से कम हो गया। तो जब कोई कहते हैं ना कि 3-4 मान दे रखे हों और सब में से और ये कहा जाए किसी से कम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो सबसे बड़ी है उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जब कोई आता ना, देखो एक बात सुनो, शुड नॉट बी लेस देन, जब बोलते हैं शुड नॉट बी लेस देन, आगे बोलेंगे विच एवर इज मोर, और उल्टा इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए 10 से, बड़ी नहीं होनी चाहिए 12 से, और बड़ी नहीं होनी चाहिए 16 से, ना तो 12 से 10 से बड़ी हो, ना 12 से बड़ी हो, ना 16 से बड़ी हो, उस केस में जो सबसे छोटी है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब कहते हैं ना शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस दिस एंड दिस विच एवर इज लेस, जब ज़्यादा की बात आती है जो सबसे कम, और जो कम की बात आती है सबसे ज़्यादा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये तीन मान आएंगे, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा
अब देखिएगा कि ये तो बात थी इसकी, क्लियर स्पेस बिटवीन बार्स मिनिमम क्या है, किससे कम नहीं होनी चाहिए, अब किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो लिखा ना, शुड नॉट बी लेस देन विच एवर इज मोर, अब शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये स्पेस 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 180 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 150 mm से ज़्यादा नहीं, कब, अगर प्लेन माइल स्टील बार है, प्लेन माइल स्टील बार, तो उसके अंदर 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना एस की वैल्यू 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर Fe 415 ग्रेड का स्टील है तो इसकी वैल्यू 180 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर Fe 500 ग्रेड का स्टील है तो ये जो एस की वैल्यू है ये 100-150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ आपको पेज 46 पे मिलेगी, रटने की जरूरत नहीं है, पेज 46 पे मिलेगी आपको, ये देखिए ये चीज़ आपको मिलेगी पेज 46 पर, ये देखिए मैंने रेड लाइन करके नहीं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं है, लिखा ना 150-300, जब ये 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किसके लिए होता है, प्लेन माइल स्टील बार के लिए 415 और ये 500, ये वैल्यू इसमें, अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके ये जो रॉड्स लगी है टेंशन के अंदर वो दो जोन में लगी है, दो लेयर में, ये दो ऊपर की लेयर ये नीचे की लेयर, तो इन दो लेयर के बीच का जो क्लियर है स्पेस वो कितना होना चाहिए, इसको मैंने एस1 नाम दिया है, ये भी पेज 46 पे मिलेगा आपको, अब मैं बार बार नहीं को बता सकता, 46 पेज पे मिल जाएगा ढूंढने पे, शायद मैंने यहाँ रेड कर रखा था, यहाँ गए दिख रहा है ये बार, यहाँ मिलेगा आपको, इसके लिए है कि भाई 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, फिर नॉमिनल और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है उसके 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम डायमीटर है उससे भी कम नहीं होनी चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर, तो ये चीज़ है। अगला, मैंने आपको याद होगा पेज 37 पर एक बताया था, जब स्पान 10 मीटर से बड़ा हो तो वो वैल्यूज लेते हैं ना, तो इसमें लिखा अगर 10 मीटर से वो 10 मीटर तक के लिए होता है, अगर 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम 10 बटा स्पान से गुण, ये बात मैं बता चुका हूँ, आप हो चुकी है, हाँ ये भी हो गया, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, कवर ढक्कन इसे कहते हैं नॉमिनल कवर या क्लियर कवर, ये जैसे मान लीजिए बार लगी हुई हैं तो ये जो बार के इधर जो साइड में है ना, और ये जो नीचे कवर है ये वाला, इसको मैंने C1 नाम दिया। अच्छा एक क्या होता है, एंड कवर होता है, एंड कवर, एंड कवर जहाँ ये तो साइड व्यू है इसका, ये तो क्रॉस सेक्शन है बीम का, और इसका एल सेक्शन है, बीम को सामने से देख रहे हैं, जैसे बीम सपोर्ट पर टिकी हुई है तो बीम का सरिया यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो कवर ये वाला ये कहते हैं एंड कवर, इसको मैंने C2 कहा है, तो C2 जो है ना वो बार के डायमीटर के दुगने से कम नहीं होना चाहिए, अगर बार मान लीजिए 16 mm डायमीटर के 32 से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये बार के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये नियम आप ध्यान रख लो। इसके अलावा ये तो ये लोअर लिमिट, अब आती है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम नहीं, कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी अलग अलग केस में, देखिएगा ये तो खैर एक शर्त है ही है, साथ साथ में एक और कंडीशन भी है कि अगर 5 प्रकार के एक्सपोजर होते हैं, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर, सीवरी एक्सपोजर, वेरी सीवरी एक्सपोजर और एक्सट्रीम एक्सपोजर, ये जो होते हैं ना बार कंडीशन जो होती है एटमोसफेयर की, अगर माइल्ड है तो 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए माइल्ड भी है और ये वाला केस भी है, तो ना तो 5 से कम होनी चाहिए ना 20 से कम होनी चाहिए, जो बड़ा हो उससे कम, मान लीजिए मॉडरेट है तो 5 से भी कम नहीं होनी चाहिए और 30 mm से भी कम नहीं होनी चाहिए जो बड़ा है, अगर मान लीजिए ये वाला केस है एंड कवर की बात कर रहे हैं तो ये 2/5 से भी कम नहीं होनी चाहिए, और मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन है तो 75 mm से भी कम नहीं होनी चाहिए जो भी ज़्यादा हो, इसकी बात कर रहे हैं, और इसमें कभी मैक्सिमम का कोई सवाल नहीं होता है, जो मिनिमम रखनी होती है ना उससे थोड़ी ज़्यादा रख देते हैं अपन। अब ये अगला क्वेश्चन, AST मिनिमम, आप टेंशन रिइंफोर्समेंट जो लगाते हैं स्टील में उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये है, फॉर्मूला याद रख लो, 0.85/Fi×BD, ये पेज 47 में मिल जाएगा, वो ढूंढ लेना, मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा आपको,
पेज 47 पर लिखा हुआ है इसके लिए फॉर्मूला। एक्चुअली इसमें ये लिखा हुआ है कि AST upon BD इजिकल टू 0.85 अपॉन FY, ये मिनिमम वैल्यू के लिए AST की। तो मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD उधर ले गया। अब AST मैक्सिमम ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, याद करो 4% ऑफ BD। तो इसमें जो D है ना, ये ध्यान देना इफेक्टिव डेप्थ है मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम केस में जो है ये डी टोटल डेप्थ, इस बात को ध्यान रखना, जिसको अपन 0.04 BD भी कहते हैं। अब मिनिमम शेयर रीइन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ये तो बात ही मेन रीइन्फोर्समेंट की। AST मिनिमम और AST मैक्सिमम मेन रीइन्फोर्समेंट, जो शरीर लगाते हैं ना टेंशन रीइन्फोर्समेंट में, जो टेंशन जोन में। अब हम जब शेयर रीइन्फोर्समेंट को लगाते हैं तो भाई शेयर रीइन्फोर्समेंट की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है आप याद रखें। ASV, ए का मतलब एरिया, वी मतलब वर्टिकल स्टिरप्स, और एस का मतलब शेयर। तो वो जो एरिया होगा, अच्छा ये कितना होता है, ASV कैसे निकालते हैं अपन, अगर सिंगल लेग्ड है तो π/4 × 5² डबल लेग्ड है तो 2 × π/4 × 5² कई बार लेग चार भी होती हैं तो 4 × π/4 × 5² हो जाएगा। बी, ये फिर तो अब बी में ही है। SV है स्पेसिंग जो होती है उसके लिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप है ना, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो, और ये FY जो इल स्ट्रेस ऑफ स्टील होती है। तो ये जो रूल आपके फुलफिल होना चाहिए सारा, कि ये जो वैल्यू आती है ये इससे या तो ज़्यादा हो या कम हो, उसके आधार पे ये तय किया जाता है ASV। जैसे आपको स्पेसिंग पता है तो इसको यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बेस में निकाल लेंगे, या आपको ये पता है तो स्पेसिंग निकल जाएगी। नॉर्मली आपको स्टील का एरिया पता होता है, जैसे मान लीजिए इतना होना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, है ना, आपको कुछ आंकड़ों से मिल जाएगा। अब हम स्पेसिंग तय करते हैं, और जो इससे स्पेसिंग आती है ना उसे थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि स्पेसिंग कम रखने से एरिया बढ़ जाता है स्टील का। एनीवेज ये फॉर्मूला है मिनिमम शेयर रीइन्फोर्समेंट के लिए काम आता है, ये पेज 48 पर मिल जाएगा आपको। अब लास्ट जो चल रहा है इसके अंदर, ये आप जरा इसको याद कर लें, टेबल में कहाँ मिलेगा मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन हाँ याद कर लें। एक स्टैंडर्ड हुक होता है एक्चुअली, जब अपन ये कंक्रीट और स्टील की जो बॉन्डिंग होती है आपस के अंदर, उसको मजबूती करने के हुक बनाए जाते हैं। तो हुक के अंदर जो कुछ कैलकुलेशन करते हैं उसमें दो फैक्टर आते हैं, उसमें एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो K फैक्टर है। तो K की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि स्टैंडर्ड हुक के केस में माइल्ड स्टील बार्स के लिए K की वैल्यू कितनी होनी है, 2, याद कर लो, रट लो इनको। और HYSD बार्स हो, चाहे वो Fe 415 हो चाहे वो Fe 500, दोनों के लिए K की वैल्यू 4 होती है। K एक कॉन्स्टेंट है जो स्टैंडर्ड हुक के लिए कुछ करते हैं कैलकुलेशन उसमें काम आता है, और K की वैल्यू 2 होती है माइल्ड स्टील के लिए और 4 होती है HYSD बार्स के लिए, इसको याद कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज 37 पर मिलेगा अब जो करा रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था ना ये वाला टी बीम की बात जो मैंने की थी आपसे, टी बीम की, तो ये जो फ्लैंज की जो विड्थ है BF, ये तो एक्चुअल फ्लैंज विड्थ जो दिख रही है आपको, हमको लेनी होती काम में इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो पेज नंबर 37 पर दे रखा आपको, क्या है, BF = L0 upon B + 4 + BW। ये जो एक्चुअल जो फ्लैंज की विड्थ है, ये B का मतलब एक्चुअल फ्लैंज विड्थ आपको क्वेश्चन दे रखी है, उसका भाग लगाएंगे L0 में। L0 क्या है, इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम, L0 है इफेक्टिव स्पान। वो क्या होता है, अगर देखिए L0 को मैंने कहा है एक्चुअली इफेक्टिव स्पान होता क्या है, व्हाट इज, ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव स्पान। तो इफेक्टिव स्पान मीनिंग ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को इस इफेक्टिव स्पान कहा जाता है। तो L0 का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स, ये होता है। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट ही इफेक्टिव स्पान कहलाता है।
और अगर और वो ही लिया जाता है एल जीरो को, और अगर बी में कंटिन्यूस तो उसके अंदर जो इस बार निकला इफेक्टिव उसको 0.7 से गुणा करते हैं। हालांकि ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी कि आपके सिंपली सपोर्टिंग कोर्स में होता है ये, कंटिन्यूस आपके खैर कोर्स में नहीं है आपके, तो ये होता है। तो एल जीरो पता होगा इफेक्टिव स्पान, बी एक्चुअल फ्लैंज विड्थ, ये चार तो कॉन्स्टेंट है, एल जीरो वही है, और उसमें बी डब्ल्यू यानी कि ये विड्थ ऑफ वेव जो है ये वाली, ये कहलाती है बी डब्ल्यू, वेव की विड्थ ये जोड़ देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला, ये भी पेज 37 पर लिखा हुआ आपको, पेज 37 पर ये फॉर्मूला है, पेज 37 पर ये फॉर्मूला है, देखिए आप ये रहा, ये पेज 37 और ये आपका फॉर्मूला, ये टी बीम के लिए, एल बीम आपके कोर्स में नहीं है, ये बी एफ इजिकल टू एल जीरो अपॉन बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू। तो ये आप कीजिएगा। अच्छा एक ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, लिंटल, देखिए दीवार में जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ लिंटल लगाते हैं, खिड़की हो, दरवाज़ा हो, ऊपर रोशनदान हो। अब लिंटल के ऊपर जो मेसनरी वाल होती है उसका कितना एरिया लिया जाता है, इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए जहाँ आपने कोई ओपनिंग बनाई, जहाँ दीवार में मान लीजिए ये ओपनिंग है, ठीक है ना, ये ओपनिंग है इतनी, और ओपनिंग के इधर भी काफ़ी दीवार है, उधर भी काफ़ी दीवार है, और ये जो आपने यहाँ लिंटर लगाई है इसके ऊपर भी काफ़ी दीवार है, खूब स्पेस है, तो उस केस में हम क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया के बराबर की मेसनरी लेंगे, और उसका बेस क्या होगा, जैसे ये लिंटर का जो इफेक्टिव स्पान है, ये सेंटर टू सेंटर बीरिंग्स, ये वाला, ये ना ये वाला इतना, ये वाला, और इसको बेस मान के बना देंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सभी कोण कितने हो गए, ये 60-60 डिग्री के, ये लिंटल के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक तो लिंटल है ये, तो लिंटल के ऊपर जो होगी मेसनरी उसका ये वाला वेट कंसिडर किया जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसका, ऊपर जो मेसनरी लगी हुई दीवार की वो है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो आपने ओपनिंग दी यहाँ पे, इस ओपनिंग या तो इस ओपनिंग के साइड के अंदर दीवार बहुत कम जगह बची हुई, बहुत कम जगह है, या आपने ये जो खिड़की या दरवाज़ा जो भी है ये बिल्कुल दीवार के नज़दीक लगा दिया है, इधर भी उधर भी या एक तरफ, या अगर ये तो खैर काफ़ी जगह है लेकिन ऊपर आपके बहुत इसका जो ये है ना इफेक्टिव स्पान इसके आधी के बराबर भी नहीं है, जैसे मान लीजिए इफेक्टिव स्पान इसका मान लीजिए 2 मीटर है और उसके ऊपर जो दीवार है दो का आधा कितना होता है, ये 1 मीटर से भी कम है, उस केस में हम ट्रायंगुलर लोड नहीं लेंगे उस केस में। यानी 3 केस बताए मैंने आपको, ऊपर बहुत कम हो इसके इफेक्टिव स्पान के आधे से भी कम हो, या इधर जगह नहीं हो, या इधर जगह नहीं हो, या दोनों और जगह नहीं हो, उस केस में ये जो इसका इफेक्टिव स्पान है इसके ऊपर हम बना लेंगे एक, बना क्या लेंगे, इसके ऊपर जितनी भी ये मेसनरी वाल होगी ये सारे ले लेंगे, बस खत्म बात। जब ये हाइट ही नहीं है तो हम क्यों उसको ट्रायंगल बनाएं, तो यहाँ पूरी मेसनरी वाल काम आएगी, यानी एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी ये जो हाइट दिख रही है ना, ये तो लिंटल के ऊपर की हाइट है, और ये जो लेंथ है ये लिंटल का इफेक्टिव स्पान है, और इस केस में जो लिंटल की का इफेक्टिव स्पान है उसके बराबर का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। किस काम के लिए काम कर रही है, कि लिंटल के ऊपर मेसनरी का वजन कैसे लिया जाए, इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और लास्ट अब ये है, अगर आ जाए ये पेज 39 पे मिलेगा आपको कोड के अंदर, लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम, धरण की पार्श्विक स्थिरता। भाई कई बार क्या होती है कि बीम वैसे तो स्टेबल है लेकिन लेटरली वो स्ट्रांग नहीं है, साइड में उसकी स्लिप हो जाए, डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब उसको पार्श्व अवरुद्ध नहीं है ना, तो वो पार्श्विक रूप से उसको दिक्कत आ सकती है, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं पैदा हो जाए। हम तो मान के चलते हैं कि वो लेटरली मजबूत है लेकिन मजबूत नहीं हुई तो क्या करेंगे, फेल हो जाएगी। उस केस में एक दो चेक लगाते हैं ये वाला, कि जो एल है यानी जो इफेक्टिव स्पान जो है should not be more than 60 into B, ध्यान देना, also L should not be more than 250 B square upon D,
विच एवर इज लेस. जब कहते हैं ना शुड नॉट बी मोर देन तो विच एवर इज लेस, शुड नॉट बी लेस देन विच एवर इज मोर, ऐसा होता है. बी क्या है, जब ये जो डी जो इफेक्टिव डेप्थ है ये बीम की, और बी क्या है, विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज. ध्यान देना इसमें टेंशन फ्लैंज नहीं आएगा, विड्थ ऑफ कंप्रेशन. हालांकि बी में तो ये दोनों नॉर्मली बराबर लेते हैं पर कोड की भाषा ही है. विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज वो भी कहाँ पर, मिड स्पान पे. मान लीजिए 6 मीटर लंबी बीम है और कहीं कंप्रेशन फ्लैंज की चौड़ाई कम है, तो जो मिड स्पान यानी कि एग्जैक्टली जो सेंटर ऑफ बीम है ना वहाँ पे जो कंप्रेशन फ्लैंज की चौड़ाई कितनी है वो भी है. इसमें टेंशन फ्लैंज का तो कोई नाम ही नहीं है, कंप्रेशन फ्लैंज की बात आ रही है. और विड्थ भी कहाँ पर, जहाँ मिड स्पान है, वो ये बी है. और डी तो खैर उसकी इफेक्टिव डेप्थ है. तो अब आप ये दो वैल्यू निकाल लेंगे, 60 को 20 से गुणा करेंगे, इधर बी स्क्वायर को 250 से गुणा करके डी का भाग लगाएंगे. ये जो दो वैल्यूज आएंगी इनमें से जो छोटी हो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. लिखा ना विच एवर इज लेस. तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराए हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आए लेकिन आ सकते हैं. तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें. हर वीडियो आप लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों के साथ में इसको शेयर करें, वो बच्चे जो आपके शहर के नहीं, आपके शहर के बाहर, जिनको आप जानते हैं. और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें भाई, आपको आगे लाभ होगा. इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आदत सी बढ़ गई है. तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.